हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक टॉपिक क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है, उसका डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली बना करके भी देखेंगे यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्यूब के बारे में जानकारी लेंगे कि क्यूब क्या होता है। तो हम जानते हैं कि यह थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। क्यूब जो होता है वह थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, और इसकी थ्री डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसे हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर के नाम से जानते हैं। और हमने जाना है कि क्यूब के छः बराबर आकार के फेस होते हैं और हर फेस स्क्वायर में होता है, इसे हम लोग क्यूब कहते हैं। ये हम लोग देखें कि क्यूब अब बनेगा कैसे। तो क्यूब बनाने के लिए बेसिकली हमें एक शीट की ज़रूरत होगी और एक हमें सेट स्क्वायर की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर एक छोटा सा सेट स्क्वायर लिया हुआ है। इस छोटे से सेट स्क्वायर की मदद से मैं आज आप लोगों को क्यूब बना के दिखाऊंगा। तो इस क्यूब को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, चाहे वो 20 mm का हो, 25 mm का हो या 30 mm का हो या जितने भी डायमेंशन का हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 30 mm के डायमेंशन पर क्यूब बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 30 mm का होगा। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम उनका हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद हमें एक वर्टिकल लाइन लेना होगा जिसकी लंबाई भी 30 mm होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्यूब के प्रत्येक साइड्स एक ही साइज़ के होते हैं। अगर आपने हॉरिजॉन्टल 30 mm लिया है तो वर्टिकल भी आपको 30 mm लेना होगा। तो चलिए हम वर्टिकल भी 30 mm ले लें। 30 mm का वर्टिकल लाइन ले लिया है, तो ये 10, 20 और ये 30, ये 30 mm का वर्टिकल। ठीक, इसी के ऐसे ही आपको यहाँ पर एक इस साइड में लेना होगा जो जिसका साइज 30 mm होगा। फिर इसे क्या करना है, हमें क्लोज कर देना है। ये एक बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें 30 डिग्री के एंगल पर प्रत्येक साइड से, अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी और ये सी और ये डी। प्रत्येक पॉइंट से हमें 30 डिग्री के एंगल पर 30 mm की लंबाई का एक लाइन लेना है। तो हमने एक ले लिया, ये दूसरा भी ले लिया और ये तीसरा ले लिया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 30 डिग्री का एंगल ले लिया हमने सभी पॉइंट से, तो अब यहाँ पर देखिए ये बी है, ये सी है और ये डी है। प्रत्येक बी से, सी से और डी से 30 डिग्री के एंगल पर हमने 30 mm का एक लाइन लिया। अब उस लाइन को हम क्या करेंगे कि यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये किया, ये अब हम इसकी डेमिंग कर देते हैं। डी तक था मेरा, ये हो गया ई एफ जी। लाइन से जो है ये जो है मेरा, उससे हम एक हिडन लाइन ले जाएंगे। फिर यहाँ ई से हम एक हिडन लाइन उतारेंगे। फिर ये जो मेरा जी था वो उसको ये मेरा क्यूब तैयार हो गया। अब इसके हम नेमिंग कर देते हैं ये H, A B C D E F G और H। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यह थ्री डायमेंशनल फिगर होता है। थ्री डायमेंशनल का क्या मतलब था कि जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसे हम लोग थ्री डायमेंशनल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए, क्यूब में हमने ये बताया था कि इसके 6 बराबर आकार के फेस होते हैं। अब इसको काउंटिंग करें तो 1, 2, ऊपर 3, पीछे 4, नीचे 5 और ये साइड में 6 फेस। इसके 6 फेस होते हैं और सभी फेस एक दूसरे के बराबर साइज में होते हैं, जिसे हम की क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले Thank you.
ये हमने इसका साइज़ कितना लिया था 30 mm, ये यन के ए से बी तक 30, बी से जी तक 30, जी से एफ तक 30, वह के सभी साइज़ इसके 30-30 mm के थे। तो ये हम 30-30 और ये 30, ये रहा आपका क्यूब। अगर इसमें कोई डाउट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। कि जो हमारी दूसरी टॉपिक थी वो थी क्यूबॉइड। आज हम लोग क्यूबॉइड के बारे में देखेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है। हम जानते हैं कि यह 3-डायमेंशनल फिगर होता है जिसके सभी फेस आयताकार होते हैं। मतलब क्या होता है कि क्यूबॉइड का जितना भी फेस होगा वो सभी आयताकार होंगे और इसकी कोई दो साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे के समान होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक दूसरे के समान होती है और कैसे यह एक दूसरे के सभी फेसेस के आयताकार होते हैं। एक रेफरेंस लाइन लेना होगा। चलिए हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। अब इस रेफरेंस लाइन की मदद से हम एक 90 डिग्री के एंगल पर एक हम इसका साइज ले लेते हैं 20 mm। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के एंगल पर एक साइज लेंगे जिसका लंबाई रहेगा 40 mm और इधर हम इधर भी 30 डिग्री के एंगल पर 30 mm की लाइन ले लेंगे। यहाँ से फिर क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री का एंगल लेंगे जो 20 mm का होगा। अब 20 इस 20 वाले को इस 20 वाले से हम मिला देंगे। तो ये हमने इसको मिला दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन लेंगे, यहाँ से भी 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन लेंगे। यहाँ से इसको 90 डिग्री पर मिला देंगे। हमने आपको बताया था कि इसके सभी फेस आयताकार होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो मेरा साइड है ये मेरा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, ये मेरा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इसमें क्या होता है कि इसके कोई दो साइड जो होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। अब यहाँ जो मेरा फ्रंट साइड है वो बैक साइड के समान होगा। यहीं पर अगर राइट साइड को देखें तो ये मेरा राइट साइड लेफ्ट साइड वाले के समान होगा। वहीं पर अगर क्यूब की बात करें, देखा था कि इसकी प्रत्येक साइड जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब इसकी जितनी डायमेंशन होगी वो सभी साइड की उतनी ही डायमेंशन होगी। तो इसे हमने क्यूब यानी कि घन के नाम से जाना था। और हमने घनाभ में क्या देखा कि इसकी कोई दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। अब फ्रंट वाला बैक के पैरेलल रहेगा, राइट वाला लेफ्ट के पैरेलल रहेगा, जिसे हम लोग घनाभ के नाम से जानते हैं। ड्राइंग से रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक के लिए बने रहिए ड्राइंग ट्रिकी के साथ। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि जितनी भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। थैंक यू।